شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد मोहतरम दीनी भाइयों माल अल्लाह की तरफ़ से अता की गई एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला अपने कितने बंदों को माल व जायदाद से नवाजता है और कितने लोगों को महरूम कर देता है तो माल ये अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक बड़ी नेमत है जिस पर एक इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए लेकिन माल ये है कि जब माल आपके पास है अल्लाह ताला ने आपको मालदार बनाया है तो इस माल पर साल में एक बार ज़कात भी निकालना है और ज़कात का हुक्म यह है कि ज़कात हर उस इंसान पर जो साहिब निसाब हो जैसे सोना ये साढ़े सात तोला जो तकरीबन पचासी ग्राम चांदी साढ़े बावन तोला जो तकरीबन पाँच ग्राम 595 ग्राम ये सोने का चादी का निसाब है इंसान के पास इस मकदार में सोना चादी हो और उस पर साल गुज़र जाए तो अपने इस माल का ज़क़ात निकालना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है ऐसे ही दीगर चीज़ों में ज़क़ात का निसाब है बहरहाल साल गुज़र जाए और माल निसाब को पहुंच जाए तो उस पर ज़क़ात निकालना वाजिब होता है और ज़क़़त ये इस्लाम के पांच रुकनों में से एक रुकन है पांच पिल्लर में से एक पिल्लर है जिसकी अदायगी उस इंसान पर जिस पर माल निसाब को पहुँच जाए साल गुज़र जाए ज़क़़त निकालना वाजिब होता है लेकिन अगर यही माल का ज़क़़़त ना निकाला जाए उसमें कोताही की जाए जैसा कि आज हमारे बहुत सारे लोग ज़क़त के निकालने में कोताही करते हैं प्रॉपर्टी जब गिनते हैं तो लगता है कि वक्त का अंबानी यही इंसान है हमारे दस करोड़ की ये प्रॉपर्टी है तो ये कारखाना है तो ये गोडाउन है तो ये माल है इतने फ्लेट हैं इतनी दुकानें हैं ये है वो है इतना सोना है इतना ये है इतने जेवर हैं यानी जब इंसान गिनाने लगता है तो करोड़ा करोड़ की तादाद में उसके पास प्रॉपर्टी मौजूद है लेकिन जब जकवात निकालने का मसला आता है तो दो पाँच लाख ऐसे ही निकाल दिया और कहा कि बस मैंने तो ज़क़़ अदा कर दिया अगर ज़कवात निकालने में आपको ताँ हैं ज़क़़़़़त अपने माल का नहीं निकालते हैं तो आइए इस सिलसिले में जो वईद जो सज़ा किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में है उसको आपके सामने रखता चलूँ जक़ात ना निकालने का भयानक अंजाम क्या है सूर तौबा आयत नंबर चौतीस पैंतीस आयत नंबर थर्टी फोर थर्टी फाइव अल्लाह तबारा ने फरमाया वदीब वलत वाफी सवील बिन अलीमय हाफी नारी जहन हाजी बहुमूब व हज़ा माँ कनस तुम लफुम फजोकु मा कुम तुम तकनिदून जो लोग सोना और चाँदी को ख़जाना बना के रखते हैं और उससे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते हैं उसका जक़ात नहीं निकालते हैं तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की बशारत और खुशखबरी सुना दीजिए वह दिन कि जिस दिन जहन्नम की आग में इसे गर्म किया जाएगा और गर्म करते हुए उनकी पेशानी को पेशानी को उनके पहलू को और उनकी पीठ को उससे दागा जाएगा और ये कहा जाएगा ये वो ख़जाना है जिसे तुम अपने नफ्स के लिए जमा किया करते थे फ़जों को मा कुन तुम तो उस ख़जाने का तुम मज़ा चखो, तो ये भयानक अंजाम है कि गिनाने में तो आप गिला रहे हैं हमारी कितनी बहनें हैं जो जब सहेलियों में बैठती हैं तो मेरे पास तो पचास तोला है मेरी बेटी के पास बीस तोला है मेरी बहू के पास पचास तोला है ये सब गिनाती हैं लेकिन याद रखें मेरी बहनी भी बहनें भी कि अगर इनका जक़ात नहीं निकालती हो तो कल कयामत के दिन ये जेवरात ये सोने ये चांदी ये रुपये ये पैसे ये सब जहन्नम की आग पे गर्म किए जाएंगे और उसके बाद आपके पेशानी को आपकी पहलू को और आपकी पीठ को उसी से दागा जाएगा और कहा जाएगा ये ख़जाना है जिसे तुम समेट के दुनिया के अंदर रखा करते थे इसी तरीके से सही बुखारी किताबु ज़कात बाब नंबर तीन हदीस नंबर वन फोर ज़ीरो थ्री चौदह सौ तीन रावी अल्लाह के रसूल के मरूफ़ साहबिया वर्रद्ला त हैं فرماتے ہیں کہ اللہ كالله رسول صلى الله عليه وسلم نشاط فرماية من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة سجاء أقرأ له زبيبتان يتوقه يوم القيامة ثم يأخذ بِالهَزْمَتِيَ يعني صدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك الله كرسول صلى الله عليه وسلم نشاط فرماية कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने माल जायदाद से नवाजा हो और उसने अपने उस माल की जक़़त नहीं अदा की क़यामत के दिन उसका माल क़यामत के दिन उसका माल नहायत जहरीले गंजे सांप की शक्ल अख्तियार कर लेगा उसकी आँखों के पास दो सियाह नुक्ते होंगे जैसे सांप के होते हैं वो सांप उसके दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा खजाना हूँ यानी सुनिए कितनी सख्त ईद कि उसका वो माल जिसका वो जकार नहीं निकालेगा जहरीले सांप की शक्ल में हो जाएगा उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा खजाना हूँ उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 पढ़ी कहा वला यहसबनल् लजीन يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه और वो लोग ये गुमान ना करें कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो कुछ अपने फضل से नवादा है वो उस पर बुखल से काम लेते हैं कि उनका माल उनके लिए बेहतर है बल्कि वो उनके लिए बुरा है जिस माल के मामले में उन्होंने बुखल किया है आयत का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको माल से नवाजा है लेकिन उस माल का आप अगर जक़ात नहीं दे रहे हैं तो आप ये मत समझें कि ये माल आपके लिए बेहतर है नहीं बल्कि बाप ने माल का जक़ात नहीं दिया वो माल आपके लिए बेहतर नहीं है बल्कि जक़ात ना देने पर वो माल आपके लिए बाई से शर है बाई से फितना वो फसाद है बाई से अदाब है दुनिया के अंदर भी बखालत की वजह से माल का जकवात ना निकालने की वजह से तरह तरह की मसाइब और मुश्किल से आप दो चार हो सकते हैं और अगर दुनिया के अंदर आपको छूट मिल गई तो कल क़्यामत के दिन तो आपको जहनम के दर्दनाक अजाब से दो चार होना ही होना है क्योंकि ये माल जहन्नम की आग पे गर्म किए जाएंगे और उससे इंसान की पेशानी और ये है कि पहलू और पीठ को दागा जाएगा इसलिए मेरे दीनी भाइयों अगर अल्लाह ताला ने आपको माल से नवाजा है तो माल का पाई पाई हिसाब करके ए टू जेड आप उसका ज़कात निकालिए वरना कयामत के दिन आपके लिए खैर नहीं है अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने माल के पूरे तौर पर ज़कात निकालने की अता फरमा ताकि हम इस किस्म की वईद और सजाओं से ہم دنیا اور آخرت میں الله سکیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته दारुल खैर फाउंडेशन आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें